कमीज़ तो उसके लिए देखिए मैंने ये पीस लिया है, इसमें पहले से डिज़ाइन किया हुआ है, तो इसके लिए फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट अलग अलग से काटना पड़ेगा। तो अभी मैं लेंथ लूँगी इस पे, हमारा जो लेंथ है वो है 44 इंच, उसके साथ हम हाफ इंच ऐड करेंगे तो टोटल लेंथ हो गया हमारा 44 एंड हाफ। ऐसे हम मार्क कर लेंगे 44 एंड हाफ पे। दोनों तरफ ही डिज़ाइन किया हुआ, नीचे की तरफ निकलन की तरफ। इसके बाद हम शोल्डर का नाप लेंगे 7 एंड हाफ इंच और निकलाइन का नाप लेंगे हम 3.5 इंच। इससे क्या होगा, तो आपका गला खिसकेगा नहीं, ठीक से बैठेगा। निकलाइन है 3.5 इंच और शोल्डर है 7 एंड हाफ इंच। इसके बाद 7 एंड हाफ इंच से हम आर्म होल का नाप लेंगे 6 इंच। 6 इंच पे हम मार्क करेंगे। अब यहाँ से गले के उस साइड से हम यहाँ पे बस्ट लाइन का नाप लेंगे 12 एंड हाफ इंच। बस्ट लाइन का नाप लेंगे हम 12 एंड हाफ इंच, इसमें मार्क कर दिया हमने। फिर हम इस तरफ से नेचुरल वेस्ट का नाप लेंगे 14 एंड हाफ इंच। 14 एंड हाफ इधर एक लेंगे, फिर इधर भी एक मार्क करेंगे 14 एंड हाफ इंच। फिर ये नेचुरल बस लाइन का हमने लिया था 12 एंड हाफ इंच, तो हम 14 एंड हाफ इंच से इधर की इधर पे वेस्ट का नाप लेंगे 11 एंड हाफ, मतलब 1 इंच का डिफरेंस रहेगा बस लाइन से। तो फर्स्ट लाइन था 12 एंड हाफ, तो इधर हो गया हमारा 11 एंड हाफ इंच पे हमने मार्क कर दिया है। अभी हम जोड़ेंगे मार्क को। पहले हम शोल्डर की तरफ से जोड़ रहे हैं ऐसे, फिर आर्म होल को जोड़ेंगे, फिर बस्ट लाइन को जोड़ेंगे इस तरह से ऐसे हमने जोड़ लिया है। और फिर वेस्ट लाइन को जहाँ पे लिया था हमने 11 एंड हाफ, वहाँ से हम स्लिट की तरफ इस तरह से मार्क करते जाएंगे, डॉट डॉट लगाते जाएंगे। अभी हम स्लीव्स का हाफ इंच शोल्डर का सॉरी शोल्डर पे हाफ इंच का शेप देंगे, फिर इसको वो हाफ इंच पे मार्क पे हम जोड़ेंगे। फिर आर्म होल पे हम दो दो शेप लगाएंगे ऐसे, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, दो दो शेप इस तरह से हाफ सर्कल की जैसा शेप देंगे। फिर बस लाइन से हम वेस्ट लाइन जोड़ेंगे, जो 12 एंड हाफ इंच था वहाँ से, जो 11 एंड हाफ इंच पे मार्क किया था उस तरफ जोड़ेंगे। फिर हम इसको जो वेस्ट लाइन है वहाँ पे हम जो डॉट दिया था उस तरफ से ऐसे हल्का सा शेप देंगे, जैसे कमर का शेप होता है वैसे शेप देंगे। फिर हम जो डॉटेड लाइन हमने दी थी उस शेप बराबर हम उसको जोड़ देंगे ऐसे। नेक का डिज़ाइन क्या हुआ है, तो ज़्यादा हम डिज़ाइन तो अलग से नहीं कर पाएंगे, तो जो डिज़ाइन है उसके ऊपर की तरफ हम 1/2 इंच या 2.5 इंच के ऊपर तक उसको डॉट करते जाएंगे डिज़ाइन बराबर। और अगर हम डिज़ाइन नहीं कर सकते तो डिज़ाइन के ऊपर की तरफ ऐसे 1/2 या 1.5 इंच ऐसे डॉट करके ऐसे डिज़ाइन बराबर मार्क ड्रॉ कर देंगे। फिर हम इसको काट लेंगे, पहले मैं गले की तरफ से काट रही हूँ। फिर शोल्डर को काटेंगे जो 1/2 इंच का शेप है उस बराबर। फिर आर्म होल पे जो बाहर की तरफ जो शेप है वो पहले काटेंगे ऐसे। फिर वेस्ट लाइन काटेंगे शेप बराबर, फिर स्लिट्स की तरफ ऐसे काटते हुए हम चले जाएंगे काट लेंगे। अभी हम बैक पार्ट काटेंगे, तो बैक पार्ट को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, उसके ऊपर जो फ्रंट पार्ट काट चुके हैं उसको बिठा कर बराबर से सेट कर लिया है, पिन अप कर लिया है इस तरह से। अभी हम जो फ्रंट पार्ट जो
कट पीस है उसके बराबर से हम बैक का पार्ट काटते जाएंगे। ऐसे गले काट लिया, शोल्डर, फिर आर्म होल, फिर साइड। अभी हम बैक पार्ट का निकला डीपनेस लेंगे 7 इंच, 7 इंच लेंगे, और इधर तो 2.5 इंच किया हुआ है, तो ऐसे 7 इंच पे इस तरह से राउंड शेप देंगे। आप कोई भी शेप दे सकते हो, मैंने राउंड दिया है। डीपनेस लिया है 7 इंच। फिर बैक पार्ट की नेकलाइन हम काटेंगे, काट लेंगे इस तरह से। ये हो गया मेरा बैक पार्ट, दोनों पार्ट देखिए काट लिया मैंने। ये बैक पार्ट है और ये है फ्रंट पार्ट। अब हम स्लीव काटेंगे, तो 4 फोल्ड कर लिया है कपड़े को मैंने। हमारा स्लीव का लेंथ है 5, उसके साथ मैंने 1.5 इंच ऐड किया है, तो हो गया 6.5 इंचेस। उस पर हमने मार्क कर दिया है 6.5, 5 इंच का स्लीव लेंथ है, उसके साथ 1.5 इंच ऐड किया है। ऐसे मार्क करेंगे, इधर भी एक मार्क करेंगे, फिर इधर से लेंगे 10 इंच, 10 इंच लेंगे, ऐसे भी और एक मार्क कर लेंगे 10 इंच पे। इधर हम लेंगे आर्म होल का हाफ, आर्म होल 6 था तो इधर हम हाफ लेंगे 3 इंच। आर्म होल का हाफ होता है 3, मतलब 6 का हाफ होता है 3, तो इधर 3 इंच पे हम मार्क करेंगे ऐसे। फिर हम स्लीव का शेप लगाएंगे, पहले हम 10 इंच ऐड कर लेते हैं जो मार्क किया था, ऐसे मार्क कर लिया। फिर ऐसे करके पहले मैं बैक स्लीव्स का शेप दे रही हूँ, देखिए ऐसे है। फिर मैं फ्रंट स्लीव का शेप दे रही हूँ, थोड़ी सी अंदर की तरफ होगा, फिर मिला दीजिएगा हल्का सा, ज़्यादा नहीं। और हमारा स्लीव राउंड है 6.5 इंच, 6.5 इंच पे मार्क लगा दीजिएगा। अभी हम इसको काट रहे हैं ऐसे, पहले बाहर की तरफ जो शेप है स्लीव्स का वो पहले काटेंगे ऐसे। अभी जो जॉइंट है साइड पे, वो उसको हम ऐसे कांची से चीरा लगा देंगे, फिर उसको ऐसे खोल देंगे। अभी हाफ पोर्शन पे जो अंदर की तरफ जो शेप था वो इस तरह से काटेंगे। ये देखिए बैक पार्ट का भी शेप है, और ये जो हल्का सा नीचे की तरफ है फ्रंट पार्ट का शेप है। अभी हम दोनों पार्ट का शोल्डर ज्वाइन करेंगे। निकलान की तरफ से हमने शोल्डर को 1.25 इंच का मार्क किया है, और आर्म होल की तरफ से हमने किया है 1/2 इंच। तो इधर से 1.25 इंच और इधर से 1/2 इंच, उसको हमने मार्क कर लिया है, ऐड कर लिया। फिर हम उसको जोड़ेंगे दोनों शोल्डर को। ऐसे करने से आपका शोल्डर ठीक से एडजस्ट होगा। हमारा शोल्डर दोनों जॉइंट हो गया है ऐसे। अभी हम साइड को दोनों साइड को जॉइन करेंगे, तो 2 इंच साइड से 2 इंच छोड़ के हमने मार्क किया है पूरा वेस्ट लाइन तक, और नीचे से हमने 20 इंच स्लीव्स के लिए छोड़ के हमने 2 इंच का पूरा मार्क किया है साइड पे। अभी हम सिलाई करेंगे नीचे से 20 इंच छोड़ के, क्योंकि वहाँ पे स्लीव्स होगा साइड स्लीव्स। ये देखिए 20 इंच आ गया, मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, ये स्लीव्स के लिए मैंने 20 इंच छोड़ दिया है। ये देखिए दूसरे साइड का भी सेम है, 2 इंच का मार्क करके 20 इंच नीचे से 20 इंच छोड़ के हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए 20 इंच का वहाँ पे हमने स्टॉप कर दिया है सिलाई को। अभी हम साइड की जो सिलाई है वहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा ऐसे कट देंगे, तो जो सिकुड़ा सिकुड़ा रहता दिखता है साइड पे वो नहीं होगा, अच्छे से बैठ जाएगा कमर पे, इस तरह से कट देंगे। ये देखिए हमारा ऐसे अभी दिख रहा है कमीज, अभी बहुत कम बाकी है।
ये देखिए स्लीव्स लिया है हमने, ये लेफ्ट साइड का स्लीव है। स्लीव को इस तरह से हम ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे मार्क करके, जो जहाँ पे ख़त्म हो रहा है दिख रहा है वहाँ पे हम एक मार्क कर लेंगे, ठीक है। और फिर स्लीव राउंड जो था 6.5 इंच वहाँ पे मार्क करेंगे, फिर उस मार्क से इस मार्क को हम जोड़ेंगे। स्लीव्स को ऐसे कंधे से पकड़ के आर्म होल को पूरा ऐसे मार्क करके वहाँ पे मार्क कर देना है। ये देखिए ये है हमारा लेफ्ट साइड का, क्योंकि जो फ्रंट साइड का शेप है ये राइट का है और ये लेफ्ट का है, जो फ्रंट साइड का जो शेप है ज़्यादा नीचे वो सामने की तरफ है। देखिए जो हल्का सा शेप है ये है राइट का, ये सामने की तरफ है शेप और उधर है थोड़ा हल्का सा। ये देखिए मैंने जॉइन कर लिया, इधर से हमने 2 इंच छोड़ा है और स्लीव रन लिया है 6.5 इंच, फिर दोनों को मार्क को हमने जोड़ दिया है इस तरह से ऐसे। अब मैं स्लीव्स की साइड्स को जोड़ रही हूँ, दोनों स्लीव्स की साइड्स को मैं जोड़ रही हूँ। ये हो गया मेरे इस तरह से। यहाँ पे मिडिल पॉइंट पे एक कट दे दीजिएगा, फिर इसको सीधा कीजिएगा स्लीव राउंड को, ऐसे मैंने सीधा कर लिया है। फिर देखेंगे कि कौन कौन से साइड का है। देखिए सेप जो है वो ये है सेप, तो ये हो गया ये लेफ्ट साइड का। देखिए ऐसे लेफ्ट साइड का होगा ये सेप जो है सामने की तरफ, ये हो गया राइट साइड का। अब हम इसको आर्म होल के साथ बॉडी पार्ट के साथ इसको जोड़ेंगे। अब पिन लगा लीजिए, सेट कर लीजिएगा, फिर इसको बॉडी के साथ आप जोड़ लीजिएगा ऐसे पूरा राउंड, पूरा जो आर्म होल है उसके बराबर आप सेट कर लीजिएगा। पहले पिन से सेट कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। स्लीव थोड़ा सा आराम से आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, अच्छे से धीरे धीरे देखते हुए ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए। अभी हम गले की पट्टी काटेंगे, नेकलाइन पट्टी। इसके लिए मैंने डबल फोल्ड किया है कपड़े को थोड़ा सा। फिर ये देखिए मैंने फ्रंट पार्ट को लेके जो ज्वाइंट किया हुआ जो पार्ट की साइड है उस पर ऐसे बिठा के ऐसे मैंने उसको बिठाया है, ये देखिए। फिर नेक की जो कटिंग है उसके बराबर थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे ऊपर की तरफ जॉइंट करने के लिए। फिर नेक डिज़ाइन बराबर मैंने ड्रॉ कर लिया है। फिर इधर से साइड की तरफ से मैंने 2 इंच पे ऐसे ऐसे करके मार्क करूँगी पूरा, फिर ऐसे मार्क को जोड़ दूँगी डिज़ाइन बराबर, फिर इसको काट लूँगी। ऊपर की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा, जॉइंट करना पड़ेगा। फिर से मैं एक ही सेम प्रोसेस पर मैंने बैक पार्ट का जो नेकलाइन है उसका भी पट्टी काट रही हूँ। देखिए मैंने कैसे बैठाया, फिर से सेम प्रोसेस में बिठाया मैंने, सेट किया, फिर साइड से मैं ड्रॉ करूँगी नेक का जो आउटलाइन है ऐसे मार्क करके ड्रॉ कर रही हूँ। फिर ऊपर भी इसका भी ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, फिर यहाँ से भी साइड से 2 इंच करके मार्क करते हुए जाएंगे और उसको जोड़ देंगे, फिर काट लेंगे दोनों पट्टियाँ। ये मैं पट्टी काट रही हूँ। ये फ्रंट का पार्ट नेकलाइन पट्टी काट रही हूँ, अभी हो गया। ये देखिए ये बैक नेकलाइन पट्टी है और इस साइड पे है। पट्टी को मैंने ऐसे सेट कर लिया सामने की तरफ से और हमको सिलाई भी सामने की तरफ से ही करना पड़ेगा। दोनों में जो एक्स्ट्रा पट्टी के हुआ था वो हमने ऊपर की तरफ जोड़ लिया है। अभी मैं पट्टी को ऐसे सिलाई कर रही हूँ। सिलाई हो जाने के बाद उसकी जो खुला पोर्सन है उसको मैं ऐसे हल्का सा इस तरह से पट्टी को मैं जोड़ ले रही हूँ ताकि मैं हेमिंग पे आसानी हो। फिर पट्टी को इस तरह से सुई धागे से हेमिंग करनी पड़ेगी। ये हो गया। अभी मैं
स्लीव्स को इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया है पूरा स्लीव्स। फिर मैं नीचे से शुरू कर रही हूँ, एक साइड से शुरू कर रही हूँ पूरा सिलाई करना। ये पूरा सिलाई करते हुए जाइएगा, जहाँ पे जॉइंट मिलेगा वहाँ पे जाके आपको दूसरी स्लीव्स की तरफ टर्न करके एक ही साथ, उसको छोड़ना नहीं है, उसी साथ पे ही दूसरे स्लीव्स पे, ये देखिए मेरा जॉइंट क्या हुआ वहाँ पे आ गई हूँ। मैं इसको घुमा ले रही हूँ और फिर दूसरे साइड्स की स्लीव्स की तरफ ऐसे सिलाई करते हुए आ रही हूँ। फिर इसको घुमा के दूसरे साइड्स की स्लीव्स को सिलाई कर रही हूँ पूरा एक ही साथ। सिलाई करना है दोनों स्लीव्स को, सामने के साथ पीछे का। ये देखिए सिलाई करते हुए मैं जा रही हूँ पूरा। पूरा नीचे की तरफ आके फिर से इसको ऐसे घुमा लूंगी, फिर दूसरे साइड ऐसे फिर से इसको लेके जाऊंगी सिलाई करते हुए फिर से जॉइंट की पास। फिर जॉइंट पे उसको घुमा के जहाँ से शुरू किया था उस साइड पे फिर से आना है। देखिए मैंने घुमा लिया है, बैक पार्ट पे मैं आ रही हूँ, ऐसे घुमा लिया है, ऐसे आ गई, फिर ऐसे घुमा के ये देखिए साइड पे मैं सिलाई करें। तो एक साइड का स्लीट्स का दोनों साइड, एक साइड के स्लीट्स पूरा सिलाई हो गया। ये देखिए सिलाई होने के बाद कुछ इस तरह दिख रहा है। धन्यवाद।